और थोड़ा सा जी के जी एस आर्ट। अच्छा जी एस आर को क्वेश्चन याद है जी के, जैसे कि उत्तर प्रदेश का मतलब जो 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा मतलब वो था। अच्छा क्वालिटी में कोई आर्टिकल पूछा था, क्वालिटी में कनाडा से, कनाडा से क्या क्या आया था उसमें, कनाडा से ही आया हो कौन सा मतलब चार वो दे रखे थे कूट, उसमें से पूछा था इनमें से कौन सा। अच्छा कितने अटैम्प्ट करे तुमने? मैंने 70 अटैम्प्ट करे। 70 अटैम्प्ट करे। हाँ मैं तुम्हें जैसे परसेंटेज प्रॉब्लम से क्वेश्चन किस टाइप के थे भैया? पेपर बढ़िया हुआ है। कितने कितने कर दे? 75 से 70 को लेवल कैसा लगा था? लेवल भैया मैं तो हार्ड आया हूँ। मैं तो हार्ड आया था। हाँ जी ऐसा कोई क्वेश्चन याद है? हाँ जी ऐसा याद है। बताइए भारत के राज्य आए पूछे में? भारत के राज्य मतलब कौन सा राज्य पूछा था? सवेरे पूछ रहे भारत में क्या राज्य है ये पूछा था। अच्छा कोई आर्टिकल आया जी एस में मतलब पॉलिटी से? पॉलिटिकल तो आए समानता का अधिकार आया था। जियोग्राफी से क्वेश्चन? जियोग्राफी ने जियोग्राफी से नदी पूछी के कर्क रेखा कौन सी नदी दो बार काटते हैं? हिस्ट्री तो आयो था कि मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो बनी मैथ में करे था 14 एडवांस के भैया 6 दो त्रिकोण हुई थी के लेकिन ज्यादातर तो सीरीज में ही है। कितने क्वेश्चन थे सीरीज के? कम से कम 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन थे। हाँ मैथ में तुमने कितने क्वेश्चन कराए? मैथ में कुल मैंने 11 क्वेश्चन रटे। 11 क्वेश्चन करे मतलब तुम्हें मैथ तो हार्ड आ रहा है? हाँ, ना हार्ड नहीं आ रहा, नॉर्मल है लेकिन मेरा वीक है। मैं तुम्हारा वीक है। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? कितने करे? 50। हाँ लेवल कैसा लगा था? लेवल सही था लेकिन मैथ हार्ड था। मैथ हार्ड था। जी एस में कोई क्वेश्चन याद है? जी एस भी 22 की आ रही है। मतलब करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे? करंट के शायद 20। कोई करंट के 20 आए? 25 है 20 है भैया खो आए तो करंट आए। अच्छा मतलब बजट से क्वेश्चन था करंट पर? बजट से नहीं था कोई क्वेश्चन, कराई नहीं है मैंने तो। अच्छा मतलब किया ना तुमने। अच्छा हिंदी के क्वेश्चन किस टाइप के थे? हिंदी के सही थे। हिंदी सही थे। शुद्ध शुद्ध सबसे ज्यादा शुद्ध शुद्ध सबसे ज्यादा आए थे। कितने अटेम्प्ट करे? 20 क्वेश्चन। 20 मतलब टोटल 20 करे? हिंदी में 20, हिंदी में 20 यार तो हंस के रही हो। टोटल कितने करे? टोटल 70 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। 70। हाँ अब मैथ का लेवल कैसा लगा था? मैथ थोड़ा हार्ड था। थोड़ा मैथ का हार्ड था। मैथ में कितने अटेंड करे तुमने? मैंने 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं मैथ में वो किस टॉपिक के छोड़े थे? वो ये दो मेंसुरेशन है, 3-4 क्वेश्चन मेंसुरेशन के। हाँ और चक्र में मतलब उसे पहुँच नहीं पाया था उस तक। अच्छा मतलब जो छोड़े हैं रीजनिंग में वो किस कौन से टॉपिक के छोड़े थे? वो वाले छोड़े उसमें एक क्वेश्चन था तुम्हारा वाले जो आकृति वाला, आकृति वाले छोड़े वो छोड़ते मैंने। मतलब ज़्यादा टफ आ रही थी आकृति? टफ थी, समझ में नहीं आई थी इसलिए टफ नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी। चलो चलो बढ़िया। अच्छा मैथ में कितने करे तुमने? मैथ मैंने 15 क्वेश्चन किए। 15 क्वेश्चन मैथ में किस टॉपिक छोड़े थे? वाले छोड़ दो एक तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था। हाँ उसमें तो दो आए थे, एक किया था मैंने। अच्छा जी ऐसा क्वेश्चन याद है? कितने करे तुमने? मैंने 67 अटेम्प्ट करे। 67 करे। हाँ लेवल कैसा लगा था पूरे उसका पेपर का? अच्छा जी ऐसा कोई क्वेश्चन याद है?
ज्योग्राफी से हो पॉलिटिक्स से किसी से एक जवाब क्वेश्चन पूछा जीएस में जो सैयद बंद से जो दिल्ली का संतरा कौन बड़ा पहला है दूसरा तीसरा कोई आर्टिकल बता रहे थे कोई आया था आर्टिकल आर्टिकल नहीं आया था अच्छा और उसमें मैथ में परसेंटेज प्रॉब्लम से क्वेश्चन किस टॉपिक देखने को पत्र को अच्छा मैथ में एवरेज सुनो तो सही मैथ में एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिला था एवरेज का एवरेज को तो ना हो ना तो अच्छा जब बैलेंस अंकु त्रिभुज में से क्या था उसमें तो आ रहे हैं मेंसुरेशन आ रहा है कितने क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के होंगे करीब चार को होंगे अच्छा हिंदी में जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे करके पर्यायवाची क्या था शुद्ध अशुद्ध क्या पूछा था पर्यायवाची में और रीजनिंग में अल्फाबेट वाले अल्फाबेट वाले जो अच्छा लोकोक्ति और मुहावरे वाला क्वेश्चन था उसमें हिंदी में क्या करीब तीन चार क्वेश्चन तीन चार लोकोक्ति